नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़ खबर। यूपी के मऊ जनपद से है, जहां मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पूर्व प्रधान बिजली यादव की बदमाशों ने हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड का खुलासा मंगलवार को पुलिस लाइन में एएसपी त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि एक शातिर अभियुक्त व एक शरणदाता को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक पिस्टल और कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। साथ ही उन्होंने घटना का अनावरण करते हुए बताया कि बिजली यादव की हत्या जमीनी विवाद को लेकर हुई थी। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। क्या मामला है? ये अहमदाबाद थाने में 12/1/2000 को एक घटना हुई थी, जिसमें मृतक बिजली यादव थे। इनकी हत्या की गई थी। इस केस का अनावरण हुआ है। इस केस के मुख्य हत्यारा है रविंदर यादव। अनिल यादव जो उनके पड़ोसी हैं, उनसे ज़मीन की विवाद को लेकर के ये हत्या कराई गई है। ये हत्या भाड़े पे कराई गई है। इस गैंग का अनावरण हुआ है। इसमें 3 लोग हैं इस घटना में, जिसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया है। उससे कट्टा, कारतूस, जिससे उसने हत्या की थी, वो सब बरामद हुआ है और गैंग का अलावा। सर, क्या वजह थी हत्या की? हत्या का मुख्य कारण जमीनी विवाद है। आमने सामने इन दोनों की जमीन थी। अनिल यादव उसकी जमीन चाहते थे और चाहते थे कि उस पर कोई वो कारोबार ना करे, जबकि वो ईंट का भट्ठा लगाना चाहते थे। यही मुख्य विवाद था। सर, क्या अंतरजनपदीय रविंदर यादव तो नहीं है? रविंदर यादव, लालू यादव अच्छे क्रिमिनल निकल रहे हैं, बट इन पे पुलिस ने अच्छा सिकंजा कसा है, अच्छी कार्रवाई की। शरणदाता भी गिरफ्तार हुआ है सर? हाँ, एक शरणदाता भी गिरफ्तार हुआ है। उसका नाम, इस जो इस गैंग को शरण देता है, उसका नाम भी रविंदर यादव। ठीक है।